अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज एक डिज़ीज़ है और डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर्दियों में जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हम सबको इस डिज़ीज़ का तोहफा मिलता है। आज की जो डिज़ीज़ है वो डेंड्रफ है। डेंड्रफ, आपको पता है जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपके सर पे बहुत ज़्यादा डेंड्रफ, वाइट कलर की एक पपड़ी सी जमती है, जो आपको जब भी आप कूम करते हैं, जब भी आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो नीचे गिरती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करती है। उसकी लेयर्स जमती जाती हैं जो, और उसमें बाज़ दफ़ा इचिंग भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा दाने भी बन जाते हैं, और बाज़ दफ़ा वो सीरियस कंडीशन भी इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से होता क्या है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और हेयर फॉल बाज़ दफ़ा सीरियस हो जाता है, बाज़ दफ़ा टेम्प्रेरी होता है। और हेयर फॉल से आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है, लेंथ भी कम हो जाती है। तो सर्दियों में मोस्टली देखने वाला मसला है, तो मैंने सोचा कि आज हम इसी पे वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये डैंड्रफ है क्या, इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको तमाम वो इजी वे और वो तमाम मेडिसिन बताने वाली हूँ जिसको आप खुद से ख़रीद के अपना घर में बैठ कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं है तो आप उसको टेम्परेरी तौर पर जो इमरजेंसी कंडीशन हो रही होती है उसको कम कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि इसको सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और इसको अगर आपको लगे एंड तक देखिएगा, आपको लगे कि ये अच्छा है, ये इस काबिल है कि इसको लाइक करना चाहिए, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ, क्योंकि सर्दियों में सबकी स्किन रफ़ हुई भी होती है और सर्दियों में सबको ही डैंड्रफ का मसला होता है। तो आपका एक शेयर जो है वो किसी का भला कर सके, तो इसमें अपने आप को एक पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, इसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डैंड्रफ। डैंड्रफ को उर्दू में सिकड़ी बोलते हैं, आपने सुना होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग सिर्फ ऐसे करते हैं ना ऐसे, तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जो है ना वो उनके कपड़ों पर गिरती है। और बाज़ दफ़ा उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे शैम्पू, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने के बाद भी क्या होता है कि जो डैंड्रफ है ना, ये उनके उस गिरती रहती है और उसके अंदर लेयर्स के नीचे जो है इन्फ्लामेशन होने लगती है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। दाने निकल के आपके जो जिस चीज़ को मुतासिर करती है ना, जिससे सब लड़कियाँ सब लड़के मेल स्पेशली जिनके यहाँ से बाल उड़ने लग जाते हैं स्पेशली, उसकी जो फर्स्ट रीज़न होती है वो ये डैंड्रफ होती है। तो डैंड्रफ एक डिज़ीज़ है, स्किन डिज़ीज़ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं। इसकी रीज़न सबसे पहले तो वेदर चेंज है। जैसे सर्दियां आती हैं तो आपको पता है कि वेदर चेंज होता है, जैसे ही वेदर चेंज होता है तो आपको पता है कि हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजिंग, हमारी स्किन के अंदर ये जो हमारी स्किन है इसके अंदर ये जो मॉइस्चराइजिंग है ना, कुदरती नमी है, वो ख़त्म होने लगती है। तो हम उसको नमी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं कि हम तरह तरह ऑयल्स लगाते हैं, हम लोशंस लगाते हैं, हम क्रीम लगाते हैं, तो उससे ये काफ़ी हद तक बरकरार हो जाती है। और सर का भी यही हाल है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हमारा बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर खुश्की आने की वजह से हमारे सर में, हमारे स्कल में भी खुश्की आने लग जाती है। वो खुश्की की वजह से क्या होता है, उस पर डैंड्रफ क्रिएट होने लग जाता है। दूसरी रीज़न ये भी होती है कि सर्दियों में आपका जो नहाने का, वॉश करने का, हेयर वॉश करने का जो रेशो है वो नेचुरली कम हो जाता है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग जो आदतन नहाते हैं तो वो डेली नहाते हैं, वॉश करते हैं अपने हेड को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बस वीक में, डेली नहाने वाले वीक में नहाने पर आ जाते हैं, और वीक में नहाने वाले जमने वाले जो डेड सेल्स हैं वो वॉश नहीं हो पाते, वो रिमूव नहीं हो पाते, स्किन नहीं निकलती नहीं है, तो वो इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप एक दूसरे का ब्रश, एक दूसरे की कोम को यूज़ करते हैं, एक को डैंड्रफ है और एक को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, और वो डैंड्रफ जो है वो प्रिकॉशंस करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही, उसने जो ब्रश यूज़ किया है वही ब्रश आपने यूज़ कर लिया, तो डैंड्रफ जो है वो आप तक मुंतकिल भी हो जाएगी। और दूसरा रीज़न जो है टावल, एक दूसरे का टावल यूज़ करना। एक डैंड्रफ वाले पर्सन जिसको हैवी किस्म का डैंड्रफ है उसने वो टावल यूज़ किया और उसी टावल को आप सबने यूज़ कर लिया, तो डैंड्रफ आपको ज़रूर मुंतकिल होगी। एक इसका नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है हेयर डाई। अगर आप इस तरह का कोई हेयर डाई इस्तेमाल करें जो हेयर डाई आपकी स्किन को सूट ना कर रहा हो, और वो भी ये डैंड्रफ को क्रिएट करने का बायस बनता है। ये कॉस्मेटिक एलर्जी भी इसको हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई शैम्पू
या कोई साबुन जिससे आप सर को वॉश करते हैं वो आप चेंज किया आपने और वो आपकी स्किन को सूट नहीं किया, वो भी ये रीज़न क्रिएट कर सकता है कि आपके सर के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ पैदा हो जाती है। ये तो कुछ रीज़न्स थे। हाँ, बहुत अहम रीज़न कि हम अपनी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट नहीं रखते हैं, हम अपनी बॉडी को में पानी, हमारी जो पानी पीने का रेशो है वो कम हो जाता है, तो ये वजह भी एक होती है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और जिससे हमारी स्किन और हमारी स्कल्प भी डिहाइड्रेट होने लग जाती है। चलिए जी, अब हम इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि बहुत बुरा लगता है, ऐसे ऐसे करते हैं आप तो उसके अंदर से ना ये ऐसे करते हैं तो पूरा वो डैंड्रफ नीचे गिरता है, बहुत बुरा, डजंट लुक बेटर। और उसके बाद क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जो ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हैं कि बाल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, तो जब आपके बालों के ऊपर प्रॉब्लम आने लगती है कि आपके डैंड्रफ की वजह से, होता क्या है कि एक तो डैंड्रफ बहुत होती है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको डैंड्रफ के साथ उनके डैंड्रफ पे बहुत, उन्हें स्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। बाज़ लोगों को ईचिंग कम होती है, बाज़ लोगों को तो इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है तो इतना बुरा लगता है, वो सबके सामने हर वक्त ऐसे ऐसे करके खुजा रहे होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके बाद जब वो खुजा रहे होते हैं उनके नेल के अंदर जो है ना, इसके वायरस जो है, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे से एग्स आ जाते हैं, वो दोबारा आप अपने हैंड को वॉश किए बगैर जब यहाँ भी खुजाने लगते हैं तो पूरे स्कल में वो फैल जाता है। और अगर लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैंने देखने में आया कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने के नीचे एक पीप की लेयर बन जाती है जो बाद में सोराइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, या आपको फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, ऑक्जीमा है, वो ये जो डैंड्रफ है इसकी जो कंडीशंस हैं वो आपके सोराइसिस आपको कर सकती है, सोराइसिस बना सकती है, फंगल इन्फेक्शन बना सकती है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी सिम्टम देखने में आती है वो है हेयर फॉल, आपके बाल गिरने लग जाते हैं। उसकी वजह क्या है, ये डैंड्रफ, आपके बाल गिरने लग जाते हैं, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। फीमेल के बाल तो इतने इतने मोटे बाल होते हैं, छोटी सी चुटियाँ रह जाती हैं, और मेल बेचारे तो यहाँ से गंजे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको रोकना, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ये सिम्टम्स हमने देख लिए, अब हम देखते हैं कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। इसको हमने मैनेज करना है, सबसे पहले सर्दियाँ आते ही अपनी स्किन को हमने मॉइस्चराइजिंग उसकी पूरी रखने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है अपने लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए तो यूज़ करते ही रहना है। अपने ऑयल को भी वाइटामिन उसके अंदर कोई ना कोई डालिए, वाइटामिन ई डालिए, कोई ना कोई क्यों वाइटामिन ई डालिए कोकोनट ऑयल के अंदर, वही उसको अप्लाई कीजिए। कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप बहुत ज़्यादा किल कर देती हैं इस स्किन डिजीज़ को। तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें विटामिन ई डालिए। अब विटामिन ई आपको कहीं से नहीं मिलता तो आप कुछ बादाम हल्की आंच पे रख के उसमें पका ली, उसको अच्छा ड्राई कर लीजिए, बाद में वो बादाम निकाल के खा लीजिएगा बेशक, लेकिन उसके अंदर हाफ या वन आवर रखिए हल्की आंच पे, उसको कुक होने दीजिए, उसके अंदर उसका विटामिन ई आएगा, वो आप अपने बालों के अप्लाई कीजिए, आपके बालों के अंदर ये जो डैंड्रफ है ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। और उसको डेली बेस पे कीजिए, और आप ये ना कीजिए, अगर तो आपके बाल छोटे हैं मेरी तरह बहुत ही छोटे छोटे से हैं तो आप उसको डेली बेस पे वॉश भी कर सकते हैं, और अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं और आपको वॉश करना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आप उसको जो कोकोनट ऑयल है उसको आप डेली बेस पे यूज़ तो कर रहे हो लेकिन वॉश आप उसको 2 या 3 डेज के बाद कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको मैनेज करो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेडिसिन, देखते हैं कि होम्योपैथिक जो है इसको किस तरह मैनेज कर सकती है। होम्योपैथिक इसको ऐसे मैनेज करती है कि होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है थूजा, ऐसे बाल जो बाल गिर रहे हैं शदीद खा, उसमें खारिश है और सफ़ेद कलर की पपड़ी बन रही है वाइट कलर की, और उसमें आप थूजा दे सकती हैं। थूजा को आप 30 में दीजिए, आप होल मंथ लीजिए, अगर आप कोई और ट्रीटमेंट होम्योपैथिक का आपका नहीं चल रहा तो आप इसको होल मंथ लीजिए, तो आपको ग्रेजुअली नेक्स्ट ईयर कम होगी, उससे नेक्स्ट ईयर और कम होगी और कम होती जाएगी, आपको लगेगा जैसे कभी कुछ था ही नहीं। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है वो आर्सेनिक आयड है, आर्स ऑयड बहुत अच्छी मेडिसिन है डैंड्रफ की। जब आपके अंदर हर मौसम में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बन रही है तो आपने आर्स ऑयड देनी है, 30 में देनी है, सुबह दोपहर शाम देनी है। ये ऐसी उसमें डैंड्रफ होती है जो थोड़ी सी येलोइश होती है वो वाली। उसके बाद फास्फोरस, नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो फास्फोरस है, आप आर्सेनिक ऑयड के साथ फास्फोरस को मिला के भी ले सकते हैं। फास्फोरस को आप 200 में लीजिए
दो दिन छोड़ के, ठीक है। और आर्स ऑयल जो है वो आप 30 में लीजिए सुबह दोपहर शाम, तो आर्स और फास्फोरस 200 में आप इसको साथ रख सकते हैं। और अगर फास्फोरस की अलामतें आपके अंदर ज़्यादा हैं, उसकी क्या अलामतें हैं कि फास्फोरस में डेंड्रफ तो बहुत होती है, साथ ख़ारिश बहुत शदीद होती है कि पेशेंट खुजा खुजा के उसमें ज़ख़म कर लेता है, और उसके बाल जो हैं वो गुच्छों की शक्ल में उतरते हैं, बड़े बड़े गुच्छे बन के उतरते हैं उसके बाल, इतनी ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है। तो आपकी मेडिसिन फास्फोरस है, इस फास्फोरस को अगर आपके गुच्छे बन के उतर रहे हैं तो आपने 30 में यूज़ करना है, 30 में यूज़ करना है आपने, और 1 to 2 months यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो एक बहुत अजीब सी और बड़ी अच्छी ना लगने वाली बीमारी है इससे आप निजात पा लेंगे। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।